हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी टेक ऑल इन वन। दोस्त, नए नए टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑन कर ले, ताकि हम अपने चैनल के लेटेस्ट वीडियो जब भी लाए उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जरूर पहुँचे। तो दोस्त, मैं आज आप लोग के बीच एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन लाया है, जिस एप्लीकेशन की मदद से अपने फोटो का स्टेटस वीडियो या शॉर्ट वीडियो बहुत खूबसूरत तरीका से आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप वहाँ से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के मदद से हम किस तरह से वीडियो शॉर्ट वीडियो को क्रिएट किए हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से इस ऐप की मदद से आप भी अपने फोटो का शॉर्ट वीडियो या स्लाइड वीडियो आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम वो वीडियो आपको प्ले करके दिखाते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम इस वीडियो को यहाँ से प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम देके सुना देंगे दोस्त, किस प्रकार से हमने इस कितना खूबसूरत वीडियो ये अपने गैलरी के फ़ोटो से एक वीडियो को हम एडिट किए हैं, किस तरह से ये काफ़ी सारा यूनिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से दोस्त, आप भी अपने फ़ोटो का शॉर्ट वीडियो स्लाइड वीडियो इस ऐप की मदद से आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त, बताएंगे इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम आपको बताएंगे इस ऐप की मदद से किस तरह से ये इस वीडियो को एडिट करना है, किस तरह से इफेक्ट सेट करना है, किस तरह से फिल्टर सेट करना है, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आपको, ताकि वीडियो एडिट करने में आपको कोई तरह का कठिनाई हो, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, इस ऐप को हम सिंपली ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन का। तो आप देख सकते हैं इस ऐप का ये होम पेज है। यहाँ आपको दोस्त, यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ फर्स्ट वाला जो मैक वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का पेज खुलेगा। तो यहाँ आपको गैलरी वाला सेक्शन में ये ले आया है, तो यहाँ से आपको एक इमेज को सिलेक्ट करना है, जिस इमेज का आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्त, हम ये वाला फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको क्रॉप करना होगा। तो यहाँ से दोस्त, आपको सिलेक्ट करके इस इमेज को जहाँ से आपको क्रॉप करना हो वहाँ से क्रॉप करके, और ऊपर में जो ये क्रॉप का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस स्टेप से आपके डिस्प्ले पे शो होगा। तो यहाँ दोस्त, आप देख सकते हैं टास्क बार में आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ फ्रेम का फिल्टर, म्यूजिक, एडिट फोटो। तो दोस्त, यहाँ आपको सबसे पहले मैं यहाँ फ्रेमिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए, फ्रेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त, यहाँ से जैसे हम ये दो नंबर का, तीसरे नंबर का फ्रेम चूज किए, तो ये अभी फ्रेम लग चुका है, लेकिन ये फोटो इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए, हम सबसे पहले दोस्त यहाँ से फिल्टर सेट करेंगे। फिल्टर सेट करने के बाद म्यूजिक सेट करके दिखा देंगे। उसके बाद इस वीडियो को दोस्त किस तरह से एक्सपोज कीजिएगा वो आपको हम एक्सपोज भी करके दिखा देंगे। तो चलिए दोस्त, ये फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद दोस्त, आप नीचे में देख सकते हैं यहाँ आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिला है। तो यहाँ से दोस्त, आप जितना भी इफेक्ट आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं, काफ़ी सारा इफेक्ट है। तो यहाँ से आप बारी बारी से आप सब इफेक्ट को डाउनलोड करके यहाँ से इफेक्ट अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, ये फर्स्ट वाला इफेक्ट हम यहाँ से लगाएंगे। कुछ इस प्रकार से दोस्त ये शो होगा, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम इसको वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ से, और इस प्रकार से हम पहले फ्रेम को यहाँ हटा देते हैं। हटाने के बाद दोस्त, यहाँ फिल्टर पर आएंगे। फिल्टर पर आने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन वाला हम इफेक्ट को सिलेक्ट किए हैं। यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्त, देख सकते हैं कुछ मेरे फोटो पे इस प्रकार से ये इफेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इफेक्ट हो रहा है। यहाँ नीचे में आपको काफ़ी सारा इफेक्ट दिया गया है, तो आप चाहे तो जो इफेक्ट आप यहाँ से लेना चाहेंगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा यूनिक ये वाला इंप्रेशन वाला इफेक्ट लग रहा है, तो हम इसी इफेक्ट को अपने वीडियो में भी दिखाए हैं, और इसी इफेक्ट को हम आपको सेट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए, इस प्रकार से हम इस इफेक्ट को यहाँ से सेट किए। सेट करने के बाद यहाँ दोस्त, आपको फिर फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से आप यदि फ्रेम लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। हमने अपने वीडियो में दिखाए थे एक ये वाला फ्रेम दिखाए थे, अभी जो वीडियो आपको प्ले करके दिखाए थे उस वीडियो में ये वाला फ्रेम लगा के दिखाए थे, तो हम ये वाला फ्रेम आपको लगा के दिखाएंगे। इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्त, ये वाला फ्रेम को आपको चूज कर लेना। जैसे क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ ये फ्रेम लग चुका है। उसके बाद दोस्त, देख सकते हैं फिल्टर और फ्रेम दोनों मेरे ये इमेज में लग, इस वीडियो में लग चुका है। उसके बाद दोस्त, ये म्यूजिक का वाला आइकन पे आएंगे। सबसे पहले हम आपको वॉल्यूम
बढ़ा के सुना देते हैं कि अभी कौन सा म्यूजिक है और किस प्रकार से म्यूजिक सेट करेंगे वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। आप देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से दोस्त ये म्यूजिक अभी बज रहा है। तो सबसे पहले ये म्यूजिक वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे में दोस्त ये म्यूजिक MP3 का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा। तो दोस्त आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से आप ऑनलाइन भी म्यूजिक ले सकते हैं, नहीं तो दोस्त अपने फ़ोन में जितना भी म्यूजिक सेव करके रखे हैं वो म्यूजिक भी इसमें लगा सकते हैं। यहाँ क्लिक की है टू एड फ्रॉम एस कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज खुलेगा। तो यहाँ आपको 3 लाइन दिख रहा है, इस 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आप देख सकते हैं दोस्त ये फाइल मैनेजर का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इस फाइल मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो भी आपके फ़ोन में इंटरनल मेमोरी हो या एक्सटर्नल मेमोरी हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जिस फाइल या फोल्डर में आप म्यूजिक को सेव करके रखे हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस फाइल में म्यूजिक को रखे हैं, काफ़ी सारा म्यूजिक है। तो जो म्यूजिक हम अपने वीडियो में प्ले करके दिखाए थे वही म्यूजिक हम आपको यहाँ से सेट करके दिखाते हैं। यहाँ वीवो यहाँ +1 है तो इसको हम सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्त आप देख सकते हैं नीचे में ये ओके का बटन है, तो इस ओके वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपके फोन में प्ले होगा। हम सुना देते हैं दोस्त, इस प्रकार से प्ले होगा। प्ले होने के बाद दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ से चाहे तो जितना सेकंड का म्यूजिक लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ टाइमलाइन का ये ऑप्शन आ रहा है, इस टाइमलाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके वीडियो में ये म्यूजिक सेट हो चुका है। तो चलिए हम वॉल्यूम देके सुनाएंगे किस प्रकार से ये मेरे वीडियो में म्यूजिक सेट हुआ है। सो फ्रेंड देख सकते हैं कितना यूनिक, कितना अच्छा ये वीडियो ये एडिट हुआ इस ऐप के मदद से, और काफ़ी सारा इसमें इफेक्ट दिया गया है। तो आप को जो इफेक्ट अच्छा लगे वो इफेक्ट इस वीडियो में लगा के, आपको जो म्यूजिक लगाना है यहाँ से आप म्यूजिक भी लगा के और इस वीडियो को अपने फ़ोन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त ये म्यूजिक भी सेट हो गया, फिल्टर भी हमने सेट कर लिया और यहाँ से फ्रेम भी सेट कर लिया। यदि आप फोटो को एडिट करना चाहेंगे, ये वाला फोटो जो आप फोटो गैलरी से चूज के इस फोटो को यदि आप एडिट करना चाहेंगे, यहाँ एडिट फोटो का ऑप्शन दिया गया है। जैसे एडिट फोटो पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपको यहाँ से मेकअप करना हो या फोटो का जो भी आपको कलर चूज करना हो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हम फिलहाल नहीं करने वाले, यहाँ से हम दोस्त यहाँ से हमको बैग जाना है, तो यहाँ से हम बैग जाएंगे और यहाँ से जो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे दोस्त आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ आप देख सकते हैं आपकी गैलरी में कुछ इस प्रकार से ये वीडियो सेव होगा। तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ UAT का जो मार्क आ रहा है इस टिक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्त देख सकते हैं ये एक्सपोज हो रहा है मेरे फ़ोन में। तो चलिए दोस्त हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं और अपने गैलरी से फिर इस वीडियो को हम प्ले करके भी दिखाएंगे किस तरह से ये एक्सपोज हुआ है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये वीडियो मेरे गैलरी में सेव हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को हम आपको प्ले करके दिखाते हैं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम देके सुनाएंगे। तो दोस्त देख सकते हैं दोस्त ये वीडियो मेरी गैलरी में सेव हो चुका है। इसी प्रकार से दोस्त आप भी अपने फोटो का एक ज़बरदस्त वीडियो बना के अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए दोस्त मैं यही तक बताना चाहूँगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक, तब तक के लिए दोस्त गुड बाय।